प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे नहीं, हिला का प्रॉब्लम है। सोनू तुझे कितनी बार बोला है, सूप कूल के लिए लेट हो रहा है, मोबाइल में गेम मत खेल। सोनूला सांगते मोबाइल, ए सोनू मोबाइल में गेम मत खेलो, उसको चार्ज होने दो। माधवी चांद, अरे देवा, शिक्षकाच्या घरी 10 करोड़ सापडले, ते ट्यूशन फी काय असणार आहे? दे चहा दे। आओ लीजिए ना चाय, क्या कर रहे हैं आप? लीजिए। पत्नियों का काम ही होता है कि पति के साथ मजाक करना, है ना? गलत। और एक काम होता है, पैसों की बचत करना। मतलब मैंने इस महीने 8,000 रुपए जमा किए हैं। आहत कुठे? हो शाबाश, क्या बात है। लीजिए। मुझे क्यों दे रही हो, अपने पास रखो। एक काम करते हैं, कुछ खरीदी करते हैं। पत्नियों की और एक आदत होती है, जैसे पैसे की बचत हुई नहीं, शॉपिंग का शौक जागने लगता है। मैं मेरे लिए नहीं, आपके लिए कह रही हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम एक काम करो, पैसे अपने पास रखो, मैं बाद में बैंक में जमा कर दूंगा। अरे क्या हुआ, बार बार चश्मा क्यों ठीक कर रहे हो? अरे देखो ना माधवी, इसका ना स्क्रू ढीला हो गया है। ओ हो, ये तो होगा ही ना, आपके साथ जो रहता है। तुम्हें मजा? अरे देवा, तुझ्यामुळे स्क्रू पडला खाली। मी कितनी बार कहा है? अभी कुछ मत कहो, स्क्रू ढूंढो, मुझे दिख नहीं रहा है वैसे भी। कुठे गेला हा स्क्रू? मेरे बाबा लवकर। नशीब मिळाला। खडा है ये स्क्रू, का है? अभी खड़े मत रहिए, ढूंढिए। तू मस्त ढूंढो। बाबा ये आप लोग घोड़ा घोड़ा खेल रहे हो? आके बैठो। आप लोग क्या ढूंढ रहे हो? अरे तेरे बाबा का ढीला स्क्रू गिर गया है। क्या बाबा का? वो चश्मे का स्क्रू ढीला हो गया था ना, वो गिर गया, उसे ढूंढ रहे। बाबा का मणि। तेज बाबा, एक मिनट। हम लोग इसे ढूंढते हैं। आए कहते हाँ, हे अच्छा है। बग। आई बाबा कहाँ बैठे थे? यहाँ बैठे थे, यहाँ ये होगा। म्याला? देखा? मिल गया। शाबाश। शाबाश बेटा। ये लो। शाबाश। सौकाश। वेरी गुड। बाल बना दो, लेट हो रहा है मुझे। चलो चलो।
ओहो, ऐसे बोल रही जैसे मेरी वजह से लेट हो रहा है ना तुझे? मोबाइल पे गेम खेल रही थी तब नहीं लेट हो रहा था। बाबा आप नया चश्मा ले लीजिए ना, ये चश्मा कितना पुराना हो गया है। नहीं, वक्त के साथ पुरानी चीजें बदलो। शुरुआत तुमसे करूं? तुम क्या हंस रही है? आपके भले के लिए कह रही हूँ मैं। बाबा आप कॉन्टैक्ट लेंस ले लीजिए, उसके तो स्क्रू भी नहीं होते, प्रॉब्लम भी नहीं होगा। हाँ है चांगले। क्या चांगले? फालतू खर्च, मुझे फिजूल खर्ची नहीं करनी। अरे हमारे जमाने में यार स्क्रू गिर गया, डंडे ठीक कीजिए फिर से। क्या हंस रही है, जा स्कूल लेट हो रहा है तुझे, बैग भर जल्दी से। अरे देवा ये इतना छोटा सा स्क्रू कैसे लगाऊं, समझ भी नहीं आ रहा। माधवी ये इतना छोटा सा स्क्रू लगाने के लिए स्क्रू ड्राइवर भी नहीं अपने पास। माधवी क्या करूं, सोड़ी के पास जाता हूँ। वो सोड़ी भाई का तो गाड़ियों का गैरेज है, चश्मे का नहीं। अरे वो टेक्निकल बंदा है माधवी, उसके पास होगा। छुरी की नोक से कर देती हूँ ना ठीक। छुरी? माधवी छुरी से सब्जियां काटी जाती है, जो काम जिससे होता है उसी से करना चाहिए। अरे कॉलेज में एक बार। सोड़ी भाई गैरेज के लिए कब निकलते? अरे वो तो निकाला असल नहीं लगे। कलबर का माला, पहले ये स्क्रू टाइट करके आता हूँ फिर बता दो कि कॉलेज में क्या किया था, तुम्हें सुनना पड़ेगा। आई आई गुजरात में ठंडी का वायरा, लेकिन सिर्फ वातावरण में धंधे में नहीं। तो वो तो बराबर है ना भाई, गुजरात में सब गुजराती लोग रहते हैं, पक्के व्यापारी लोग, धंधे में ठंडी हो ही नहीं सकती। वाह मस्त पेपर है, सब सच लिखते हैं। और क्या है भाई, नुकसानी में डूबे जीजा जी का बिजनेस बचाने के लिए साले ने चलकर चार धाम की यात्रा पूरी की। क्या झूठ कुछ भी छापते है, बेकार है पेपर। आपके कान में सीटी बजा रहा हूँ। मत बजा। ठीक है। ना बोल रहा हूँ टप्पू, फिर भी बजा रहा है। अरे आपने कब मना किया, आपने तो कहा बजा। मैंने कहा मत बजा। ओ सॉरी, मैंने मत नहीं सुना। टप्पू बंद कर, ला सीटी ला इधर। नहीं 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 दूंगा। टप्पू नहीं, सीटी ला। नहीं टप्पू मजाक नहीं, सीटी ला इधर, सीटी ला। टप्पू ये क्या है मजाक, सीटी दे टप्पू। नहीं नहीं, सीटी दे टप्पू, दे दे। नहीं नहीं दूंगा। अरे ये तेरे लाडले टप्पू ने इतने जोर से मेरे कान में सीटी बजाई, अभी तक मेरे कान में ऐसी आवाज आ रही है। टप्पू ऐसे मस्ती नहीं करते, सॉरी बोलो। सॉरी बोलो। सॉरी पापा। बस खुश। वाह वाह महारानी दया देवी, क्या इंसाफ किया आपने मेरा। अरे उसमें क्या, नहीं नहीं दिल खुश कर देता तुसी। पंजाब जिस तरह आपने अपने कुंवर को समझाया है। टप्पो बेटा सॉरी बोलो। ये क्या था? वो आँख में कचरा गिर गया था। आँख में कचरा गिर गया था? तेरे इस लाड प्यार की वजह से ही इसकी शरारत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। खबरदार आइंदा ऐसे कान में सिटी बजाइए ना टप्पू, तो तेरे कान के नीचे एक बजाऊंगा। अभी तक सुन हो रहा है।
तू ऐसा नहीं मने करू, तुझे मैं बराबर का मेथी पाकते है। पापू जी आप कहां से आ गए? दरवाजे से। क्या भाई है? क्या बोल रहा था अभी टप्पू को? कान में सीटी बजाई तो एक कान के नीचे बजाऊंगा। तू क्या सड़कबाज गुंडा है जो अपने बेटे के सामने सड़कबाज भाषा का प्रयोग कर रहा है? बापू जी वो मैंने टप्पू को बोला मेरे कान में सीटी मत बजा तो समझता ही नहीं है। तीन बार इतनी जोर से सीटी बजाई, मेरे कान में अभी तक सुन ऐसी आवाज आ रही है। ये सुन मारी, तू अपनी बचपन की शरारत भूल गया? अरे टप्पू ने तो सिर्फ कान में सीटी बजाई है, तू तो कान में पानी की पिचकारी मार के भाग जाता था। तभी बापू जी मैं बच्चा था। तो टप्पू क्या बड़ा हो गया? अरे तभी मैंने तेरे कान के नीचे बजाई होती तो तू आज इतना संस्कारी होता? बापू जी हाँ आया बड़ा टप्पू को डांटने वाला। सॉरी टप्पू। क्यों क्यों भाई सॉरी क्यों? आज तक तूने नाथा को तो कभी सॉरी बोला नहीं और अभी टप्पू को सॉरी बोल रहा है। तू टप्पू को क्यों सॉरी बोल रहा है? तो क्या करूं बापूजी, मैं टप्पू को डांटता हूं तो आप मुझे डांटते हैं, मैं उसको सॉरी बोलता हूं तो भी आप मुझे डांटते हैं, तो मैं करूं तो क्या करूं? प्यार से समझा। अरे बच्चे तो छोटी मोटी शरारतें करते रहते हैं, उनको प्यार से समझाना चाहिए। टप्पू मेरा गोगुड़ा बेटा, ऐसे कान में सिटी नहीं बजाते बेटा। बड़े क्या किसी के भी कान में ऐसे सिटी नहीं बजाने की बेटा। भाई लड़ाई बंद कर और सीधे सीधा प्यार से समझा। टप्पो ये तो गुस्सा हो गया। प्यार टप्पू अभी भी गुस्सा ही है, थोड़ा गुस्सा है लेकिन है। टप्पू ये तो गाना हो गया। टप्पू हाँ ये बराबर है, प्यार आध्यात्मिकता। टप्पू बेटा ऐसे पिताजी के कान में, पिताजी क्या किसी के भी कान में ऐसा सीटी नहीं बजाते बेटा। जिसका भी कान होता है ना उसको बहुत तकलीफ होती है बेटा, कान में ऐसे सुन आवाज आती है बेटा। ओके पापा, मैं किसी के भी कान में सीटी नहीं बजाऊंगा ऐसे। सॉरी बाबूजी, ये देखा बाबूजी देखा, मुश्किल से सुन अभी बंद हुआ था फिर से शुरू हो गया। टप्पू बस बेटा। सॉरी पापा। मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, नाश्ता लगाऊं तब तक शूज पहन के आता हूँ। हाँ हाँ यार। अब टप्पू के पापा अब बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मैं अंदर जाके चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ, आप बैठिए। आप बैठ जाइए। अरे मुझे सब सुनाई दे रहा है भाई, तू ये सब एक्शन क्या कर रही है? चाय मुझे लगा कि आपको कान में सुन हो गया है इसलिए सुनाई नहीं दिया होगा। सब सुनाई दे रहा है, सॉरी। अच्छा सुन, तू पूरा दिन घर में रहती है तो ये टप्पू को कुछ अच्छे संस्कार दे। क्या हुआ भाई? कुछ ना कुछ ना। अच्छा टप्पू के पापा बैठिए। फिर से भूल हो गए, अब बैठने ही जा रहे थे और मैं भूल पड़ी। अब बैठे मैं चाय नाश्ता लेकर आती। अरे क्या हो गया आज मुझे? सॉरी। ओ सॉरी परा, घर में आ सकता हूँ? नहीं भाई, अभी मैं गोगी पुत्र को नाश्ता करा रहा हूँ, बाद में आना 15 मिनट बाद। आ जाओ भाई आ जाओ।
कमाल करता है। तो मेरे घर में आने के लिए तेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी। और तू मेरे एकदम गोगी पुत्र जैसा ही है। और जैसा गोगी पुत्र का मेरे पे हक है ना, ऐसे तेरा अपनी दोस्ती के नाते पूरा हक है मेरे पे। और ये घर जैसे गोगी पुत्र का ना, ऐसे ये घर तेरा भी है पूरा, समझा क्या? बात करता परमिशन की। और चल चल बैठ जा, नाश्ता कर ले चल। नहीं भाई, मैं नाश्ता करके आया हूँ। तेरे पास छोटा स्क्रू ड्राइवर है? हाँ है, क्यों क्यों है? अरे नहीं, अब मेरा वो चश्मा टूट गया ना, तो ये देख, ये इतना छोटा स्क्रू है, तो उसको जरा टाइट करना है। ओ पिड़ो, ऐसी मस्ती क्यों करता है चश्मे के साथ कि उसका स्क्रू ही निकल जाए। होगी पुत्ता, बड़ों की बातों पे हंसते नहीं है। चल तू नाश्ता कर, तो मैं अभी लेके आया स्क्रू। हाँ जरा ले। अबे काम करो, आप इस फ्रेम में ना वेल्डिंग करा दो, कभी टूटेगा ही नहीं। वाह वाह, अप्रतिम आइडिया होगी, लेकिन अपने पास ही रखो, मैं नहीं ले सकता। तुम चश्मा दे दो। अरे पूरा दही वाला हाथ लगा दिया गोगी। गोगी पुत्र रह गई कितना, चश्मे पे दही लगा दिया। सॉरी, अभी मैं साफ करके आता हूँ। ओ जा जा जल्दी जा, फटाफट तोड़ के जा। अरे नहीं नहीं, वो चश्मा तोड़ देगा सूढ़ी। और नहीं तोड़ेगा पिड़ू, तू भी ना कमाल करता है। वो कांच का गिलास भी जब लेके जाता है ना, कभी तोड़ता नहीं है, ऐसे ही फिकर करता रहता है। और अभी देखना, चश्मे से दही निकाल के लाएगा एकदम चमका के। और पिड़ू मैं क्या बोलता हूँ, ये तेरे पुराने जमाने का चश्मा ना तेरे जैसा पुराना हो गया, अब इसको बदल दे। सूढ़ी, मैं मादी से बहुत भाषण सुन चुका हूँ, अभी तू भाषण मत दे भाई। वो चश्मा अच्छा है, दूसरी बात कर। ठीक है शिक्षक साहब, आज हम आपकी टेस्ट लेते हैं। बताओ ये कितनी उंगलियां हैं? बिना चश्मे के मैं अंधा नहीं हो जाता हूँ, बता सकता हूँ। 3 उंगली है। गलत जवाब, शिक्षक का गलत जवाब। मतलब ये 2 उंगलियां हैं और 1 अंगूठा। टिकू टिकू टिकू। कठिनिया। चल दूसरा टेस्ट लेते हैं। हाँ। ले पढ़ के बता, फटाफट पास क्लास, वाहेगुरु जी की कृपा से पढ़ो। मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा बिना चश्मे के, लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लूंगा। पढ़ो। अरे देव, मेरा नंबर बढ़ गया क्या? अक्षर समझ में क्यों नहीं आ रहे? वो जरा थोड़े छोटे अक्षर हैं। तू एक काम कर, ये इधर बड़ा अक्षर पढ़ पंजाबी में। थोड़ी ये पंजाबी है तो मैं चश्मे के साथ भी नहीं पढ़ सकता भाई, तू टेंशन दे रहा है मुझे। अरे भाई तू गोगी को बुलाना, वो अंदर चश्मा तोड़ देगा मेरा। अरे हाँ गोगी पुत्र। दे चश्मा, दे। कहाँ चश्मा? अरे वो तो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया। अरे सूढ़ी, इसने चश्मा वॉशिंग मशीन में धोने डाल दिया। मैं बोलता हूँ, वो गोगी पुत्र है क्या? कितना दही वाला चश्मा तूने वॉशिंग मशीन में डाल दिया? अभी कपड़े खराब हो जाएंगे ना। और पिड़ू तू फिकर ना कर, और दही से कपड़े खराब नहीं होंगे। अरे देवा, किसके साथ बात करूं पता नहीं चल रहा है। भीड़ अंकल, ये ले आपका चश्मा, मैं तो मजाक कर रहा था। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ऐसा मजाक नहीं करते बेटा। वाह मेरा इंटेलिजेंट पुत्र, फटाफट अंदर जा, अपना बैग रेडी कर, मेरे को स्कूल जाना है। हाँ। तू जरा इसे टाइट कर देना मेरे भाई के लिए। ओ, अभी कर देता हूँ। पिड़ो ले आ, पड़ पड़ा पड़ा पड़ा। आराम से आराम से। अभी देख पिड़ो, तेरे चश्मे को ठिकाने पे लगाता हूँ, ठीक करता हूँ यार। नाश, ठिकाने लगा दिया मेरे चश्मे को। सॉरी यार, वो मैं जोर से टाइट कर रहा था ना, जोर की झटका लग गया और ये टूट गया। अरे नहीं, इसमें तेरी गलती नहीं है। पता है यार। बराबर है भाई, तू ठहरा गैरेज का बंदा, ये नाजुक काम तेरे हाथों से कैसे होता? ओ पिड़ू, ओ तू फिक्र ना कर, तू देख। कैसे देखूं? अरे वो नहीं पिड़ू, और मेरे पास ऐसा अच्छा आइडिया आया तेरा चश्मा ठीक करने का, तू बोलेगा बहुत सोटी। क्या करने वाला है तू? सोड़ी देखता जा। एक गांव में एक आदमी रहता था, उसका नाम था छेदीलाल। अब लोग उसे छेदिया 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 करके छुड़ते रहते थे, बड़ा परेशान। उसने कहा मैं नाम ही बदल लूंगा। अपने दोस्त के पास गया, बोले यार मैं दुखी हो गया हूं अपने नाम से, मुझे कोई अंग्रेजी नाम बता दो ताकि कोई छेड़ ना सके। तो उसने उसका नाम बताया, नाम रख दो मिस्टर होल। अब उसने कहा ये क्या कर रहे हो, ये तो वही रहा। अपने एक और मित्र के पास गया, बोले यार मेरा नाम कुछ बदल दो ताकि लोग मुझे छेड़े नहीं। बोले अपना नाम रख दो खड्डा सिंह।
यानी कि मित्रों वो अपनी मुसीबत जहां भी लेके गया उसकी मुसीबत उसके दोस्तों ने बढ़ा ही दी, मुसीबत कम नहीं की। यही सिचुएशन है कुछ मेरे मित्र भिड़े के साथ। अभी भिड़े अपनी मुसीबत लेके गए सोड़ी के पास कि भाई ये चश्मे को थोड़ा सा रिपेयर कर दो, और उन्होंने उसकी डंडी तोड़ ही दी। जिंदगी में यही होता है, हम किसी के पास अपनी मुसीबत लेके जाएं और वो मुसीबत हल तो ना करे, बढ़ा जरूर देता है। लेकिन चश्मा टूटना कोई इतनी छोटी बात नहीं है, क्योंकि चश्मा मेरे और आपके जीवन का अविभाज्य अंग है। चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, मेरा चश्मा, आपका चश्मा, और चश्मा अगर टूट जाए तो दिक्कत तो होती है सर। वैसे जिंदगी के अंदर चश्मा अगर टूट जाए तो एक बार उसे ठीक कराया जा सकता है, लेकिन अगर हमारे विचारों को कहीं चोट लगे, हमारे संस्कारों को चोट लगे, तो फिर उसे ठीक नहीं कराया जा सकता। लेकिन अभी देखना यह है कि भिड़े का इस चश्मे को ठीक कराने के लिए सोढ़ी के पास क्या आइडिया है। जिसने चश्मा तोड़ा, आइडिया उसी के पास, यानी कि हंसी ही हंसी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए कैसे ठीक होगा ये चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.